नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहां पर सर्वप्रथम आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालिसिस कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर के लेंथ पाम के कंपेरिजन में नॉर्मल है, ना ज़्यादा लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है। ये एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण हर बात के जड़ तक जाना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, खुद के कल्पनाओं में रहना, थोड़ा ये रिसर्चिंग नेचर देता है और डीप थिंकर बनाता है। मिक्स फिंगर के अंतर्गत ये रहता है कि आप जैसे जाता कहीं भी किसी भी परिस्थिति में एडजस्ट करने में पीछे नहीं हटते। फ्लेक्सिबल नेचर एटीट्यूड पर्सनैलिटी को देखने को मिलते हैं। बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी होती है, किसी के अंडर में भी कंफर्टेबली वर्क कर पाते हैं तो अपने अंडर में भी दूसरों को रख अच्छे से काम निकलवा पाते हैं। तो इस कंडीशन में सबसे मेन बात ये होती है कि शाम दम दंड भेद कुछ भी प्रयोग कर अपना काम निकलवाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। इसीलिए इस कंडीशन में आप जैसे जातकों का जो फ्रेंड सर्कल होता है वो भी स्ट्रांग देखने को मिलता है, या फिर कहीं ना कहीं पहचान बहुत अच्छी होती है। इसीलिए हर जगह कहीं ना कहीं अच्छा नाम इज्जत से या पहचान से ही काम बनने के योग निर्मित होते हैं। तो ये मिक्स फिंगर बेसिकली मिक्स टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी को भी इंडिकेट कर रहा है। फिंगर के बीच में जब ऐसे गैप मेंटेन होते तो थोड़ा ये इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच क्रिएट करके देता है। इसके अंतर्गत ज़्यादा किसी के सुनने की, किसी से दबके रहने की, किसी के बार बार दखल अंदाजी करने जैसी आदत आप जैसे जातकों में नहीं होती है। आप प्योरली इंडिपेंडेंट मन मुताबिक काम करना पसंद करेंगे, इसीलिए आपके अंदर खर्चीलापन भी अधिक रहने वाला है। पैसों पर नियंत्रण इस कंडीशन में कम रहता है। पैसा आधा जीवन में ठीक है, रुक नहीं पाता, जाता कैसे आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। इसलिए ज़्यादा धन अपने पास ना ही रखें या फिर इन्वेस्टमेंट करते रहें तो आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। और लिटिल फिंगर के लेंथ थोड़ी भी शॉर्ट होती है तो हल्का सा कम्युनिकेशन एरर देती है। जैसे इस कंडीशन में जो रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन और एथिक्स होते हैं वो मेंटेन करने में डिफ़िकल्टीज आती है, यानी डे रूटीन लाइफ मेंटेन करने में दिक्कत आती है। हमेशा अपने जो रूटीन हुआ, कार्य करने की पद्धति हुई, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करना पसंद करते हैं। कम्युनिकेशन एरर मतलब स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होने, मन के अंदर बात को दबाना, बचपन में स्टेज फियर भी देखने को मिलता है। यहाँ पर कभी भी एक समय पर एक से ज़्यादा काम अपने हाथ में ना लें, अदरवाइज उन सभी कार्यों में देरी, अड़चन, बाधा, रुकावट होना शुरू हो जाएगा। कमिटमेंट ज़्यादा कभी किसी को ना करें क्योंकि उसको फुलफिल करने में भी दिक्कत आ सकता है। क्या होता है कि लिटिल फिंगर जब शॉर्ट होता है तो जो पंचुअलिटी या मैनेजमेंट है वो हल्का सा डिस्टर्ब होता है। इसलिए इस कंडीशन में एक समय पर एक ही काम करना चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंटेशन या फाइलिंग को फुलफिल कर रहे हो, साइन कर रहे हो, तो एहतियात बरतते हुए उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन में ये छोटे मोटे मिस्टेक इन सारी चीज़ों में होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो थर्ड फिंगर के लिए थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये रिस्क टेकर बनाता है। तो जीवन में कोई भी नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। सेल्फ मेड पर्सनैलिटी होती है, खुद के मेहनत पराक्रम से ज़्यादा आगे जीवन में बढ़ते हैं। कभी किसी पर आश्रित होने की कोई आवश्यकता पड़ेगी नहीं, आपको ईश्वर आपको इतना कुछ दे देंगे। बस ध्यान रखना है कि आपको आगे से रह करके इनिशिएटिव लेना है और कभी किसी प्रकार के मेहनत से भागना नहीं है। क्रिएटिव माइंडसेट और आर्टिस्टिक क्वालिटी ज़्यादा हो जाती है इस कंडीशन में, तो हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन करने की आदत होती है। अदरवाइज़ अगर एक ही काम थोड़े समय भी कर लिया तो बोर होने के चांसेस ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। इसलिए थोड़ा बहुत चेंजेस हमेशा अपने काम में करते रहने के योग यहाँ पर यह निर्मित करता है। फर्स्ट फिंगर के लिए शॉर्ट है तो ये डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर दर्शाता है। आप में ज़्यादा ईगो एटीट्यूड नहीं है और आपको ज़्यादा दिखावटीपन भी नहीं है। यहाँ देखेंगे तो फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न पे है तो अध्यात्म में रुचि रहता है। सैटर्न फिंगर टिल्टेड है तो हार्ड वर्क से पीछे नहीं हटते। थर्ड फिंगर भी टिल्टेड है तो रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी यहाँ पर देखने को मिलता है। और वहीं यहाँ पर देखेंगे तो फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शाती है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, ये भी बेसिक नेचर में होता है। फिंगर के जो नोट्स हैं वो आपके डेवलप क्लियर कट नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका ध्यान जल्दी भटकता है। आप अपने निर्णयों में बहुत जल्दी परिवर्तन करते हैं और यही रीज़न है कि ये कन्फ्यूज्ड टाइप पर्सनैलिटी को क्रिएट करता है। कोई भी डिसीजन लेते समय किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता इस कंडीशन में पड़ते हुए देखने को मिलता है। वहीं देखेंगे तो यहाँ फैलेंजेस यहाँ आपके डेवलप ठीक है। इंटरनल मार्स की स्थिति अभी ठीक होने लग रही है तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें ठीक डेवलप्ड होने लगता है। थंब का साइज शॉर्ट है तो टू द पॉइंट बात करना सुनना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। बेकार की बातें, बहुत पुरानी बातें या फिर पूरा डिटेल में जानकारी लेना पसंद नहीं करते हैं और इस कंडीशन में प्लानिंग जो करते हैं उसको एग्जीक्यूट करने में थोड़ी डिफिकल्टीज आती है। क्यों होता है? क्योंकि जब शॉर्ट थंब होता है तो बहुत इमीडिएट अपने लिए अगर डिसीजन से प्लानिंग में चेंजेस करते हुए पाया जाता है, क्योंकि फ्लेक्सिबल नेचर एटीट्यूड पर्सनैलिटी क्रिएट करके देता है। इसीलिए जो भी काम करें बहुत एहतियात बरतते हुए और एक समय पर एक ही काम करेंगे तो पूरा परफेक्शन आपके काम में आने लग जाएगा।
यहाँ पर जो पाम का आपका साइज़ है वो आपकी लंबाई में बहुत अच्छा रिएक्ट कर रहा है, जिसके कारण यह लॉर्ड्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन रिप्रेजेंट करता है। जीवन के प्रति बड़ी सोच अप्रोच रहती है और मानसिक मेहनत जो है इस कंडीशन में ज़्यादा कर पाते हैं शारीरिक मेहनत के कंपेरिजन में। यव का चिन्ह आपके हथेली में है लेकिन ये भी ओपन है, तो इस कंडीशन में घर तो निश्चित रूप से आप अपने बना पाएंगे अपने दम पर, लेकिन थोड़ा देरी से बनेगा और क्योंकि पैसा रुकने के योग थोड़े कम है आपके हथेली में, इसीलिए इन्वेस्टमेंट हमेशा कहीं ना कहीं पैसा फंसाए रखना आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। चंद्र का क्षेत्र ज़्यादा डेवलप्ड है तो आपके अंदर काल्पनिकता ज़्यादा रहने वाली है, डे ड्रीमर टाइप का नेचर रहेगा और इस कंडीशन में कुछ सोचते विचारते रहना, खुद के कल्पनाओं में रहना, ये बेसिक नेचर में होता है। शुक्र भी इवन डेवलप ज़्यादा है तो मोह माया भोग विलास की तरफ थोड़ा ध्यान ज़्यादा केंद्रित होता है। मंगल का क्षेत्र विकसित ठीक है तो इस कंडीशन में साहस बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो जब भी ये तीनों फॉर्मेशन पाम में स्ट्रांग होते हैं तो जीवन में किसी प्रकार के कंफर्ट्स, धन और सुख सुविधा, संसाधन जैसी चीज़ों में कोई कमी होता नहीं है मेनली। अभी बात करें सर्वप्रथम जुपिटर माउंट की रिगार्डिंग, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जुपिटर माउंट डेवलप ठीक है लेकिन सैटर्न से थोड़ा दबाव आ रहा है, तो इस कंडीशन में फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग थोड़ा अनसेटिस्फेक्शन अनस्टेबिलिटी रहता है, क्योंकि फैमिली से जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो प्रोमिनेंट वहाँ से वैसा रिजल्ट मिल नहीं पाता है। यहाँ देखेंगे तो प्रोग्रेस लाइन आपके माइंड लाइन से जो निकली हुई है ये बहुत एम्बिशियस नेचर देता है, तो आपने कभी भी अपने जीवन में अपने थिंकिंग डिज़ायर से ज़्यादा कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया नहीं, यही रीज़न है कि आपका जो हाई थिंकिंग अप्रोच है उसके कारण आप बहुत ज़्यादा जुनूनियत है और बहुत ज़्यादा डेडिकेशन है आपका आपके डिज़ायर के प्रति, और ये इसी कारण से कंटिन्यूस लाइफ में ग्रोथ देखने को मिलता है मेंटल लेवल पे और तमाम तरह के सुख सुविधा समृद्धि के बिहाव पे भी। जितने भी यहाँ की आड़ी रेखा है ये सब दयालु किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है। आगे से रहकर के दूसरों की मदद करना, करुणा दया अपने अंदर रखना, एनिमल लवर, सोशल वर्कर और दान धर्म पूजा पाठ में युक्त होने जैसे योगों को निर्मित करता है। मैरिड लाइफ बहुत अच्छी इस कंडीशन में देखने को मिलती है क्योंकि पार्टनर भी बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक लॉयल डेडिकेटेड लक्की देखने को मिलते हैं। दूसरी बात करें शनि के विषय में, तो शनि पर जब भी ऐसी आड़ी रेखा का फॉर्मेशन होता है तो पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स देता है और यही रीज़न है कि इमोशंस फीलिंग्स में इमीडिएट फ्लक्चुएशन होते हैं, जिसके अंतर्गत कभी आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इमोशनल, कभी प्रैक्टिकल, कभी लॉजिकल, या किसी पुरानी बात को लेकर के बैठ जाना, चिंतन मनन करने लगना, इन सब चीज़ों से क्या होता है कि हमारा प्रेजेंट तो डिस्टर्ब हो ही रहा है लेकिन इमोशनल डिस्टर्बेंस के कारण हमारा जो कर्म है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। कैसे हो रहा है कि जैसे यहाँ पर ये आपकी शनि की आड़ी रेखा, और शनि की आड़ी रेखा ठीक नहीं माना जाता क्योंकि इस कंडीशन में कोई भी काम एक सिंगल मेहनत में नहीं होता, अधिकतर काम दो अथवा उससे ज़्यादा मेहनत या फिर एकदम मुंह के पास निवाला आते आते रुकेगा, यानी एकदम एन वक्त पर आकर के काम रुकना, काम में परिवर्तन होना, कोई भी काम शुरू तो इजली हो जाना, प्रॉपर एंडिंग ना होना, ये सभी कॉम्बिनेशन देता है और इसीलिए आपकी जो लक लाइन है वो यहाँ पर रुक रुक करके चल रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस कंडीशन में बार बार ध्यान, मन और जो विज़न है, जो गोल है, वो सब बदलने के योगों के कारण जो कंसिस्टेंसी है वो नहीं हो पाता, और इसके सबसे मूल जो कारण है वो यहाँ के शनि की आड़ी रेखा है। अब ये क्या कर रही है, आपके सूर्य को भी डिस्टर्ब कर रही है, सूर्य पर भी क्रॉस का साइन आ रहा है, यहाँ पर भी आड़ी रेखा काट रही है, तो सूर्य पिता है, पिता कहीं ना कहीं पिता जिसे आपका जो है वैचारिक अनबन मतभेद की स्थिति उत्पन्न रहेगी, इस कंडीशन में इनसिक्योरिटी की भावना और किसी भी काम का प्रोमिनेंट रिजल्ट या डेडिकेशन के साथ भी किया जाने वाला काम का क्रेडिट नहीं मिल पाता, वैल्यू नहीं मिल पाता, एक्सपेक्टेड गेन्स या सक्सेस नहीं हो पाता, और इवन बेबुनियाद इल्ज़ाम और अपनों से धोखा मिलना, मिसगाइड, मिसयूज़ होना, अपने ही लोग पीठ पीछे छुरा खोप रहे हैं, ऐसे सारे फॉर्मेशन अलग से क्रिएट होते हैं। तो ये इसलिए भी होता है क्योंकि ये पेंडिंग कर्मास के अंतर्गत वाली बातें आ जाती हैं जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपना लेन देन करने आते हैं, लेकिन सबसे मेन बात यह है कि ये सब इशूज़ क्यों आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, रीज़न उसके पीछे ये है कि सैटर्न की आड़ी रेखा लग भी अफेक्ट नेगेटिवली करती है, रिलेशंस में भी डिस्टरबेंस क्रिएट करती है, रिलेशन में कितना ही आप डेडिकेशन से कुछ किसी के लिए क्यों ना कर लें, सामने वाला उतना रिस्पेक्ट, तवज्जो, क्रेडिटेबिलिटी नहीं देगा आपको, और आप 100% अपने तरफ से देंगे, रिटर्न 10% भी सोचेंगे बहुत कम रेयर मिलेगा। तो ये सब चीज़ें सुधरती हैं, ऐसा नहीं है कि ये लाइफ टाइम ही रहेगा, सुधरेगा, आपको इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, जैसे सुबह जल्दी उठना, सबसे पहले तो अपने खुद के लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाइए, मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए, जॉगिंग करिए, ये सारी चीज़ों से जो फ्रेश एयर अंदर जाती है वो शनि को डिनोट करता है, और शनि फिर ऐसे जो चिंतन मनन, अवसाद या बेफिजूल चिंताएं हैं इन सभी चीज़ों से दूर रखने लगते हैं, इमोशंस कंट्रोल होने लगता है, इमोशनल डिसीजंस या इमोशनल रिएक्ट करने से बचने लगते हैं। उसका जो सैटर्न सेपरेट रेमेडी है वो आपको व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया जाएगा। बीच की इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं। क्या होता है कि लाइफ में इतना एक्सपीरियंसेस गेन कर लिया होता है हर एक एक चीज़ों के प्रति
कि दूसरों को एडवाइस गाइडेंस दे पाने में बहुत अच्छे सक्षम होते हैं। इसलिए जब ये रेखा होती है तो आपका ज्ञान दूसरों के काम आएगा। इसीलिए एज ए कंसल्टेंट, मीडिएटर, एजेंट कोई भी काम करें, उन सबसे बहुत ज़्यादा लाभ मिलने की युति निर्मित होती है। अब सूर्य के ऊपर क्या है कि थोड़ी आड़ी रेखाएं भी हैं, तो इस कंडीशन में बार बार काम बदलने का मन करता है क्योंकि सफलता मिल नहीं पाता किसी काम से। तो बार बार नए नए टेक्निक यूज़ करना अच्छी बात है, पर काम में परिवर्तन करना, वापस जीरो से शुरू करना वाला बात थोड़ा ठीक नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर आपको सैटर्न रेमेडी ही करना है ताकि आपका सन भी जो है मोस्ट प्रोबेबली ठीक हो जाए। और पिता की बात को मान के चलिए और पिता का आशीर्वाद लेते रहिए। उनके बात को नहीं मान पा रहे हैं तो भी उनसे जो है मशवरा लीजिए, उसके ऊपर थोड़ा सोचिए। आपका देखिएगा सूर्य धीरे धीरे ठीक होगा। सूर्य को अर्घ देना, गायत्री मंत्र का जो है जाप भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगता है, सक्सेस मिलने लगती है, तेज आने लगता है, काम सही ढंग सही समय पर पूर्ण होने लगते हैं, क्रेडिटिबिलिटी काम की मिलने लगती है जो कि अभी तक नहीं मिलते हुए दिख रहा है। तो इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, इसका रेमेडी करना ज़रूरी है। बीच में जो रेखा जा रही है बुध और सूर्य के, इस कंडीशन में खुद के दम पर घर बनाने, खुद के दम पर अच्छे सफल या नामी इंसान हो पाने में भी सक्षम देखने को मिलते हैं। थोड़ा लेट ये रिजल्ट दे रहा है लेकिन ये रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। मर्करी माउंट एकदम डेवलप ठीक है, वैसे कोई यहाँ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मर्करी माउंट जब डेवलप्ड होता है, एरिया अच्छा ले रहा हो, बड़ा हो, तो इस कंडीशन में अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी बिल्ड होती है, उम्र से कम दिखते हैं, अपोजिट जेंडर ईजिली अट्रैक्ट होने वाले भी रहते हैं। इसलिए एक से ज़्यादा रिलेशन नॉर्मली बनता ही है। दूसरी बात, इस कंडीशन में जो स्किल्स हैं बिजनेस के रिगार्डिंग वो डेवलप्ड होने लगता है। मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट डेवलप्ड होने लगता है, इंटेलिजेंसी का सदुपयोग होने लगता है। तो मर्करी पे स्पेसिफिक कोई साइन या लाइन नहीं है ज़्यादा, लेकिन ये अमाउंट डेवलप्ड अच्छा है तो डेफिनेटली आप अपने करियर में आगे चल करके बहुत अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी रेखाएं क्रिएट होने लग रही हैं। तो आगे से लेकर के दूसरों से बातचीत करना, सिंपैथी देना, लोगों को समझना, ये सारी चीज़ें शुरू कर दीजिए। आप देखिए कितना अच्छा यहाँ लाइंस क्रिएट होगा। और जैसे यहाँ पर पॉजिटिव लाइंस यानी स्ट्रेट लाइन आना शुरू हो गई, आप अपने बातों से किसी को भी फिर कन्वेंस कर पाएंगे, अपने बातों से प्रभावित कर पाएंगे। अट्रैक्ट तो कर लेते हैं लेकिन लोगों को बांध पाएंगे फिर आप। इसीलिए बिजनेस में फिर ग्रोथ के चांसेस बहुत एक्सट्रीम लेवल के बढ़ेंगे और ये होगा भी 100%, नो डाउट। हृदय रेखा के अंत में गोपूज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देता है। इस कंडीशन में ज़्यादा लंबे समय तक दुखी नहीं रहते, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होना, जैसे योगों के साथ साथ घर परिवार के रिगार्डिंग भी डेडिकेशन ज़्यादा होता है। आपके जो पार्टनर रहेंगे थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर के रहेंगे, दो पार्टनर लाइफ में आएंगे जिनसे बहुत गहरा इमोशनल कनेक्शन आपका रहेगा, क्योंकि आप अपने पार्टनर को भी तवज्जो ज़्यादा देते हैं तो थोड़ा तो डोमिनेट करेंगे वो। और यहाँ जो हृदय रेखा है वो यहाँ पर आपकी हल्की सी डिक्लाइन होकर के भी चल रही है, छोटी छोटी रेखाएं नीचे आ रही है, तो कहीं ना कहीं आप दूसरों से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रख लेते हैं। जब वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होता तो इमोशनल हर्ट होते हैं, जब इमोशनल हर्ट होते हैं तो ऐसी रेखा आती है जिसे इमोशनल सेटबैक कहते हैं। तो पैसा संबंधी व्यवहार भी ना ही रखें, मतलब अपना पैसों का लेन देन ज़्यादा खुद ना करें, क्योंकि खुद का दिया पैसा वापस लेने में आपको दिक्कत आ सकता है। हृदय रेखा क्या होता है कि जब भी सेटर्न पर रुकता है थोड़ा हिडन टाइप का नेचर देता है, बात करते करते थोड़ा रुकने की आदत होती है और इस कंडीशन में मन की पूरी बात नहीं कह पाते या फिर बहुत सारी बातों को हाइड कर लेते हैं, तो बहुत कम लोग ही अंडरस्टैंड कर पाएंगे। लेकिन देखा जाए तो आप थोड़े इमोशनल नेचर के और दिल से ज़्यादा सोचने वाले और सेंटिमेंटल टाइप पर्सनैलिटी के ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। यही रीज़न है कि आप सॉफ्ट हार्टेड और प्योर हार्टेड पर्सनैलिटी के हैं, धोखा चाह करके भी किसी को नहीं दे पाएंगे आप और बहुत जल्दी दूसरों को माफ़ भी कर पाएंगे। फिश सिंबल बहुत रेयर होता है इस जगह पे, लेकिन ये जब होता है तो इस कंडीशन में जो सोशल वर्क हुआ इन और इसके अलावा जो भी आध्यात्मिक काम हुआ, दान धर्म पूजा पाठ हुआ और पब्लिक डोमेन के रिगार्डिंग जो भी काम हुआ, ये जब जब आप करेंगे तब तक आपका भाग्योदय होगा या फिर नाम बहुत अच्छा हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होता है कि जुपिटर जो है नॉलेज है, सैटर्न लॉजिक है, तो तथ्यों के साथ अपनी बात को कहने व सुनने की आदत हो जाती है। और फिश का सिंबल सैटर्न पे हो या जुपिटर पे, पैसा बहुत देता है, धन के विषय में तो ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। हाँ, आपके केस में खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन पैसा भी जीवन में बहुत अच्छा रहेगा ये भी बात बिल्कुल सत्य है। तो ये फिश सिंबल बहुत लकी बनाती है, चाहे जितने ही ऑब्स्टेकल्स हों, ये सारे ऑब्स्टेकल्स आपको इंटरनल लेवल पर रहेंगे। इंटरनल लेवल यानी मानसिक रूप से दिक्कत हो सकता है, इमोशनल डिस्टर्बेंस हो सकता है, मन का नहीं हो सकता है, लेकिन आउटर वर्ल्ड में ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है। तमाम तरह का धन, सुख सुविधा, संसाधन, रिसोर्सेस, सब के सब चीज़ें आपकी लाइफ में पर्याप्त रहेगी, लाइफ टाइम रहेगा। ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर होता है लेकिन बहुत ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। और इवन जो पावर पोजिशन में लोग हैं, जिनका समाज में बहुत अच्छा रुतबा है, नाम है, उन सभी से आपके डायरेक्ट कनेक्शंस रहेंगे
और इसीलिए ही आपके जो काम है आपके पहचान के बलबूते पर हो जाएंगे। ये सारे कॉम्बिनेशन अपने जो रिएक्शन है ये तकरीबन 30 के इस तक आते आते दे देते हैं। यहाँ लाइफ लाइन के ऊपर देखेंगे तो बहुत सारे आपको आइलैंड के फॉर्मेशन दिखेंगे। तो बचपन से कहीं ना कहीं आपको हेल्थ के रिगार्डिंग ट्रबल रहा है, शारीरिक रूप से कमज़ोरी या कुछ ना कुछ शारीरिक रूप से जल्दी लगने वाली वायरल्स या फिर थोड़े बहुत माइनर इश्यूज़ को ये देते रहता है। कब तक दे रहा है? 17 के एज तक। इसके बाद क्या हो रहा है कि माइंड और लाइफ लाइन में चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन एक और आइलैंड ये दे गया 20 तक। फिर अभी के फॉर्मेशन की बात करें तो अभी आपकी उम्र 26 है और अभी भी यहाँ पर मंगल का कनेक्शन है माइंड लाइन में। इमीडिएट एक्शन लेना, किसी बात पर जल्दी रिएक्ट कर देना, एग्रेशन जल्दी आ जाना जब आपके अकॉर्डिंगली काम ना हो, फ्रस्ट्रेशन थोड़ा माइंड में होना, ये सारे कॉम्बिनेशन अभी चल रहे हैं। इसके बाद जाकर के माइंड लाइन स्टेबल है, फिर राहु का फॉर्मेशन आएगा उम्र आपको 32 में, और उस समय आपके अंदर इल्यूजन यानी भ्रमित आप ज़्यादा रहेंगे, हर क्षेत्र में हाथ आजमाएंगे, भाग दौड़ी ज़्यादा रहेगा। इसके जस्ट बाद में आपकी जो माइंड लाइन है वो एक प्रकार से सीधे भी जा रही है और एक प्रकार से माइंड लाइन डिक्लाइन भी हो गई है। तो डिक्लाइन माइंड लाइन क्या करती है, क्योंकि चंद्र काल्पनिकता है और डिक्लाइन माइंड लाइन है, तो इस कंडीशन में हमेशा कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहने की युति निर्मित होती है, और शनि की आड़ी रेखा भी चिंतन मनन कराती है। तो इस कंडीशन का मतलब हो गया कि तिल का तार करना, राय का पहाड़ करना, बात का बतंगड़, अगर बेफिजूल बातों पर सोचना है। लेकिन अगर वही अपने गोल के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने करियर पे किसी प्रकार का रिसर्च कर रहे हैं या फिर पाई पाई का भी अगर हिसाब रख रहे हैं, तो ये माइंड आपको क्रिएटिव मेंटिलिटी देगा जिसके अंदर नए प्रकार के क्रिएशन, अपग्रेडेशन, नए प्रकार के टेक्निक्स आप अपने लाइफ में लेकर के आएंगे, अपने करियर के रिगार्डिंग, वर्क के रिगार्डिंग, जिसके कारण काम बहुत सही ढंग से होने लगेगा। अब यही माइंड लाइन है, लेकिन रिएक्शन दो तरीके का दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि ये जो माइंड लाइन है बहुत ज़्यादा ही डीप थिंकर होती है, बहुत हर एक एक बात को इतना डीपली जाकर के अध्ययन करते हैं जितना कोई और नहीं करता है। जितने भी अभी तक या जितने भी प्रसिद्ध लोग यहाँ पर अपने क्रिएशन के माध्यम से हुए हैं या फिर लेखन के माध्यम से हुए हैं, कवि हुए हैं, शायर हुए हैं, डायरेक्टर हुए हैं, पेंटर, जितने भी लोग जिन्होंने अपने कल्पनाओं का यूज़ किया, उन सब के हाथ में यही माइंड लाइन थी। और जितने भी लोग जो मेंटल टेंशन प्रेशर में रहे या नर्वस रहे, उनके हाथ में भी यही माइंड लाइन था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपना इंटरनल वर्ल्ड जैसा रखेंगे वैसा आपका आउटर वर्ल्ड हो जाएगा, जैसा आप अपने आप को अंदर से रखेंगे वैसा आपको बाहर में होने लगेगा। यानी आप अगर अपने आप को सकारात्मक रखते हैं, पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं, चीज़ों को बहुत हल्के में लेते हैं, अपने वर्क के रिगार्डिंग रिसर्च करते हैं, तो ये माइंड लाइन इतना बेस्ट रिस्पॉन्स देगी कि जितना घर परिवार में कोई तरक्की ना कर पाया हो, जिसकी इतनी मजबूत मानसिकता ना हो, उससे कहीं गुना ज़्यादा आप अपने घर परिवार में या फिर अपने व्यापार को इतना ऊपर तक ले जाएंगे। लेकिन वहीं अगर बेफिजूल की बातों में, बेकार की बातों में, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, ऐसी सारी चीज़ों में लगे रहे, तो मेंटल स्ट्रेस, टेंशन, प्रेशर, नर्वसनेस, डिप्रेशन तक मिल सकता है। अभी जितनी सीधी रेखा जाती है क्या कर रही है, ये मेंटली स्टेबल रख रही है। बार बार आप बहुत गहन अध्ययन में चल जाते, डूब जाते एकदम किसी बात को लेके, फिर वापस कम बैक करते हैं, फिर डूबते हैं, फिर वापस करते हैं। तो कोशिश यही करें कि अपने आप को मेंटेन रखें आप मेंटल लेवल पे। बाकी ये चीज़ अगर आपने कर लिया मेंटेन, आपके 99% लाइफ के इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे। बस ये एक इशू जो है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन मरकरी की तरफ भी इवन झुक रही है, तो बिजनेस सेंस, लक, पर्सनैलिटी बहुत अच्छा है आपका, तो बिजनेस में बहुत बड़े लेवल का आप काम करने वाले रहेंगे। लेकिन उसके पहले इतनी स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है। मेरे इन सब बातों से आप आघात मत होइएगा, ये सारी बातें आपको जानना ज़रूरी है ताकि आप अपने लाइफ के पैटर्न को समझ सकें और उसके ऊपर काम जो है इमीडिएटली कर सकें। अब लाइफ लाइन के ऊपर देखेंगे तो आपको ये चेंजेस दिखेगा। तो ये क्या करता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लग्जरीज को चेंज करता है। जैसे आप 17 के एज तक कहीं ना कहीं नॉर्मल लाइफ स्टाइल थी, हेल्थ के रिगार्डिंग डिस्टर्बेंस झेल रहे थे, लेकिन 21 तक आते आते कहीं ना कहीं इन सारी स्थितियों में बहुत ज़्यादा सुधार हो गया। क्यों? क्योंकि लाइफ लाइन में चेंजेस हो रहा है और अभी भी लाइफ लाइन में चेंजेस होना बाकी है। जैसे इस प्रकार के जो चेंजेस होते हैं ये सीधे के सीधे कम्फर्ट्स को बढ़ा देते हैं, और ये पीरियड आपका जीवन में रहेगा 25-6 से लेकर के तकरीबन 36 के मिड में। मतलब ये जो 10 साल का पीरियड रहेगा, कंटिन्यूस चेंजेस आपके लाइफ में लगा रहेगा। एक बहुत अच्छी साइन है आपके हाथ में, लाइन है जिसे गार्जियन एंजल लाइन, प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं, और ये जनरेटेड है 21 के ही एज से। इसी पीरियड से आपको डिवाइन हेल्प मिलना या दूसरों का हेल्प मिलना शुरू हो गया, जिसके कारण तमाम तरह के स्ट्रेस, वरिष्ठ, टेंशन या तकलीफ, परेशानी से दूसरों के सहयोग से के द्वारा निकलने लग गए, और इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति भी दूसरों के सहयोग से होने लग गया। डिवाइन हेल्प इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत अननोन पर्सन भी आकर के ऐसी जगह पे हेल्प कर जाते हैं जहाँ पर आपको एक्सपेक्टेशन ना रहे। और जितनी भी ये सब आड़ी रेखाएं जो हेल्थ के रिगार्डिंग दिक्कत देने आती है, लाइफ में ऑब्स्टिकल्स, ट्रबल देने आती है, ये सब बिल्कुल कोई रिएक्ट कर ही नहीं पाती, क्योंकि इतना बेहतरीन सपोर्ट सिस्टम रहता है
जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको लाइफ टाइम तक ही रहने वाला है, और इसीलिए आप जितना हो सके जो भी कमाते हैं उसका थोड़ा बहुत भी दान धर्म पूजा पाठ जैसी चीज़ों में लगाते रहिएगा, ताकि जीवन में किसी प्रकार की तरक्की में या किसी प्रकार के सफलता में दिक्कत परेशानी ना आए। जिसका गुरु अच्छा नहीं होता, क्योंकि गुरु ही ज्ञान के कारक है, गुरु ही मार्ग देते हैं, उसको गाइडेंस मिल ही नहीं सकता जीवन में, और आपको एटलीस्ट यहाँ पर गाइडेंस मिल रहा है, आपके लाइफ में इतने सपोर्ट सिस्टम है, इसका मतलब है कि आपके कर्म कहीं ना कहीं बहुत अच्छे हैं, और वही आपको फल भी आगे चल के बहुत अच्छे देंगे, बहुत बड़े लेवल पे या बहुत सफल बनाएंगे। लाइफ लाइन के एंड में बायफोर्क होना ट्रैवलिंग बहुत कराता है, तो जितनी मर्जी हो ट्रैवलिंग, देश विदेश तमाम तरह की यात्राएं जीवन में आप कर पाएंगे, क्योंकि आपके चंद्र पर भी आड़ी रेखाओं की श्रृंखला बहुत है, और आपको यात्रा में बहुत मज़ा आता है, नए नए जगह विजिट करना, प्राकृतिक रूप से कनेक्ट कर पाना, ये सारे कॉम्बिनेशन ये ज़्यादा क्रिएट करता है। और घर में ज़्यादा फिर मन नहीं लगता, घर में ठहरना बहुत मुश्किल हो जाता है, मन विचलित होने लगता है, ट्रैवलिंग में मन शांत रहेगा, इसलिए यात्राओं को सौभाग्य अच्छा है आपके हथेली में। मंगल की ये जो रेखा होती है ये प्रॉपर्टी अच्छी देती है। एग्रेशन फ्रस्ट्रेशन जल्दबाजी में काम करने से बचें आप। आउटर मार्स की स्थिति वैसे ठीक है, तो मेंटली आप बिल्कुल स्ट्रांग हैं, और शुक्र भी इवन डेवलप्ड अच्छा है, तो लग्जरीज कंफर्ट अच्छी रहेगी। देखिए शुक्र क्या है कि मेन कारक होता है मेरिड लाइफ का, हमारे कामुकता का, प्लेजर का, जब ये डेवलप्ड होता है तो इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए किसी न किसी प्रकार की लत लगने के योग ज़्यादा निर्मित होते हैं, और खर्चे बेफिजूल के ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप जैसे ज़्यादा कंफर्ट्स के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, इसलिए गलत संगत आदत लोगों और गलत विचारों से दूर रहना अति आवश्यक है। इन सब से दूर रहे तो जीवन में पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, लग्जरीज, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सब के सब धड़ल्ले बढ़ते चले जाएगा। और यहाँ की आड़ी रेखा इसी बात को प्रमाणित करती है कि कहीं ना कहीं आप ओवर स्ट्रेस अपने ऊपर लेते हैं। अब इसमें क्या होता है कि किसी भी रिलेशन के रिगार्डिंग जजमेंटल जल्दी हो जाते हैं, तो पहली बात रिलेशन डिस्टर्ब होता है, शुक्र रिलेशन का कारक है, दूसरी बात उस रिलेशन से उतना लाभ नहीं मिल पाता, उल्टा टेंशन वरीज ही बढ़ने लगता है, तो इसीलिए इसको अननेसेसरीज वरीज लाइन कहते हैं, जो कि नॉर्मली ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, फैमिली प्रेशर से आता है। जो व्यक्ति जैसा उसको वैसा एक्सेप्ट करें, ज़्यादा किसी में चेंजेस ना करें, सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, खासकर रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, देखिएगा शुक्र कितना अच्छा रिस्पॉन्ड करता है, धड़ाधड़ जीवन में आपके कम्फर्ट्स को बढ़ाते जाएगा। और यहाँ से जो रेखा निकल रही है ये एंसेस्टर ब्लेसिंग्स या प्रॉपर्टी या बिजनेस में इन्वॉल्व डेफिनेटली कराती है। और चंद्र की स्थिति वैसे आपके हथेली में ठीक है, और यहाँ की जो आड़ी रेखा ये इस बात को प्रमाणित करती है कि आप गहन अध्ययन थोड़ा ज़्यादा करते हैं, इसलिए जितना हो सके अपने माइंड से जब पॉजिटिव आप रखेंगे, पॉजिटिविटी आपको लाइफ में दिखना शुरू हो, वैसी गतिविधि होना शुरू हो जाएगा। मनी ट्रायंगल फिलहाल तो इनकम्प्लीट है, लेकिन आप फोकस अच्छा रखते हैं, कंसिस्टेंसी अच्छी रखते हैं, डेफिनेटली फिर यहाँ पर मनी ट्रायंगल भी बनेगा, जिससे पैसा अच्छा आएगा, रुकेगा, बचेगा, और उसका सदुपयोग भी हो पाएगा। लेफ्ट हैंड में भी यही कॉम्बिनेशन है कि माइंड लाइन डिक्लाइन है, जो अगेन डीप थिंकर रिसर्च में लेकर के जाती है, लेकिन यहीं से अनदर एक लक लाइन भी निकली हुई है, तो पब्लिक सपोर्ट, जन्म स्थान से दूर आपका ग्रोथ हो पाएगा, और मन का तकरीबन सारा काम आप कर पाएंगे। देखिए काम तो कोई भी आप शुरू कर लेंगे, इतनी सक्षमता है आपके जीवन में, बस कंसिस्टेंसी रखना, प्रोमिनेंट रिजल्ट या सेटिस्फेक्शन मिलना, ये सब आपके ही हाथ में है, और ये तब हो पाएगा जब आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखने के साथ साथ मेंटली जो है थोड़ा कहीं ना कहीं स्टेबल होना या फिर पॉजिटिव होना स्टार्ट कर देंगे। और आपके अंदर जिद भी ज़्यादा है तो एटलीस्ट अपने पिता की बात को मत टालिएगा, उनका गाइडेंस आपको हमेशा काम आएगा। ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।